नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के मधुवन तहसील के अंतर्गत सिपा बाज़ार में। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सिपा बाज़ार में किस तरह अतिक्रमण है और लोग जो है कब्जा किए हुए हैं अपने घर के सामने। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि रोड में किस तरह लोग कब्जा किए हैं। आखिरकार योगी सरकार में हर जगह बाबा का बुलडोजर चल रहा है, सिपा बाजार में क्यों नहीं चल रहा है? आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सिपा बाजार में दोनों तरफ कब्जा हुआ है और अतिक्रमण लोग किए हुए हैं। आखिरकार इन पर कार्रवाई कब होगी? योगी आदित्यनाथ के सरकार में उत्तर प्रदेश में हर जगह चल रहा है बुलडोजर बाबा का, लेकिन सिपा बाजार में क्यों नहीं चला? अधिकारी कर्मचारी क्यों मौन है? शासन प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई किया है सिपा बाजार में? आखिरकार क्या मामला है? देखना है कब तक सिपा बाजार में अतिक्रमण होता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि बाज़ार में किस तरह पटरियों को लोग कब्जा किए हैं। आखिरकार शासन प्रशासन मौन है, इन पर कार्रवाई कब करेगा? कब ये पटरियाँ साफ होंगी? आए दिन गाड़ी बस टेम्पू जो लगातार रोड पर चल रहे हैं, आए दिन लोग घायल हो रहे हैं और ये लोग दोनों तरफ से पटरियों को कब्जा करके रखे हुए हैं। ये ठेला और तमाम ऐसे जो लोग हैं ये किनारे लगाए, नहीं तो फिर क्या क्या होगा? आखिरकार क्या मामला है? ये देख रहे हैं दोनों तरफ पटरिया जो है, तमाम लोग आगे बढ़ करके ट्रेन करकट और तमाम ऐसे चीज़ों को डाल लिए हैं और बाज़ार में भीड़ लगा हुआ है। एक गाड़ी कोई चार पहिया निकल जाए लेकिन नहीं निकल पाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि कितना भीड़ लगा हुआ है। रोड पर दोनों तरफ जाम है, आए दिन ये रोड जाम रहता है और लोग पटरिया और रोड को कब्जा किए हुए रहते हैं। गाड़ियां निकलना मुश्किल हो जाता है और मुश्किल होने के बाद आए दिन एक्सीडेंट ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हर जगहों में हो रहा है। आखिरकार कब प्रशासन और शासन जागेगा और इन पटरियों को साफ करवा करके कार्रवाई करेगा, बाबा का बुलडोजर चलाएगा? देखना है कब तक सिपा बाज़ार साफ होता है, दोनों तरफ की पटरियाँ साफ होती है और दुकानदारों को निर्देश दिया जाता है कि ये पटरिया साफ सफाई करे, अन्यथा कार्रवाई होगी। बाबा का बुलडोजर ऐसे ही तमाम हर शहरों में चल रहे हैं लेकिन सिपा के बाज़ार में अभी तक नहीं चला है। पटरिया आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कितना लोग कब्जा हुए किए हुए हैं, रोड पर बना दिए हुए हैं, रोड के दोनों तरफ कब्जा है। मात्र 20 फुट की ये रोड रह गई है, जहाँ 110 फुट की रोड रहनी चाहिए मात्र 20 फुट की ये रोड रह गई है। आखिरकार कौन इसमें जो है शामिल है, कौन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है? किसकी जिम्मेदारी है दोनों पटरियों के साफ करना? किसकी जिम्मेदारी है, किस अधिकारी की जिम्मेदारी है, किस तहसील के अंतर्गत आता है, इसके कौन कर्मचारी हैं, जो किनका आदेश होगा शासन प्रशासन में कि ये दोनों तरफ से पटरियां साफ होंगी? आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का निर्देश है, सख्त निर्देश है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि पटरियाँ जो है रोड पर भीड़ न लगाएं, रोड से किनारे रहें। कोई भी दुकान अगर रोड पर है तो उसको तुरंत हटवाया जाए, लेकिन निर्देशों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब निर्देश हुआ था तो 2-3 जगह बुलडोजर चला था और उसके बाद जो है अधिकारी कर्मचारी मौन हो गए, बुलडोजर चलाना बंद कर दिए और रोडों पर ऐसे ही भीड़ लगा हुआ है। Thank you.